हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं हूं यूजर गाइस। आज मैं आ गया हूं पॉपी प्ले टाइम की सबसे प्यारी परी जैसी कैरेक्टर की स्टोरी के साथ। पापा की परी तो मैं हूं। अरे पॉपी बेटा, तू सिर्फ एलियट लुडविक की परी है, भागी मुझसे लिख के ले ले। सबके हिसाब से प्ले टाइम फैक्ट्री की परी, इधर की एंजल तो किसी मिसी ही है। बट गाइज, ये किसी एक अच्छी परी है या फिर काली परी? आखिर इस किसी का सच क्या है? तो ये जानने के लिए ना इस वीडियो को पूरा देखना। बाकी वीडियो के एंड में हम ये भी फिगर आउट करने की कोशिश करेंगे कि आखिर चैप्टर 3 के एंड में किसी मिसी पे अटैक किसने किया। तो गाइस यार, वैसे तो ना जो किसी मिसी का बेसिक टॉय वर्जन है, उसे प्लेटाइम को वालों ने 1985 में क्रिएट किया था, जस्ट आफ्टर हगी वगी। और प्लेटाइम वाले किसी मिसी को ऐसे प्रमोट करते थे कि ये हगी वगी की बेटर हाफ है, उसका प्यारा सा काउंटर पार्ट है, प्यार की मूरत, प्यार की चलती फिरती दुकान है। अब गाइस, ये तो रही किसी मिसी के टॉय वर्जन की बात, बट हम तो आज बैठे हैं किसी मिसी के इस बड़े साइज के वेरिएंट की कहानी सुनने के लिए, जिस बड़े साइज की किसी मिसी से हमारा गेम में सामना होता है। तो गाइस यार, बिगर बॉडीज इनिशिएटिव के अंडर, तेरा क्या बोला तूने? बिगर बॉडीज इनिशिएटिव मैं नहीं बता रहा, क्या था तुम्हें बता होना चाहिए यार। नहीं बता तो कैटनैप की फुल स्टोरी वाली ये वीडियो देखो, उसमें स्टार्टिंग में मैंने बताया था तुम्हें कि आखिर ये इनिशिएटिव क्या था। फॉर नाउ दो लाइनों में समझ लो कि ये प्ले टाइम कंपनी के पीछे छुपी शैतानी खोपड़ियों के दिमाग की खुजली थी। इंसानों और बच्चों पे एक्सपेरिमेंट्स करके उन्हें बड़े साइज के टॉयज बनाओ, उनसे कंपनी में काम करवाओ, फिर लास्ट में उन्हीं के हाथों मारे जाओ। नाउ गाइस, इस बिगर बॉडीज इनिशिएटिव के अंडर इस प्ले केयर में रहने वाली इस छोटी सी बच्ची के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके इसे बड़े साइज की किसी मिसी में कन्वर्ट कर दिया गया था। नहीं, मैं नहीं मानता। अब यार देखो, श्योरिटी तो नहीं है, बट जब वो एक्स एम्प्लॉय यानी गेम का मेन प्रोटैगोनिस्ट, जिसे हम छजिंदर कह के बुलाते हैं, जब वो प्ले केयर के होम स्वीट होम में होता है, तो इस कमरे में उसे किसी मिसी बैठी हुई दिखती है, जो कतई फोकस करके इस फोटो फ्रेम को देख रही होती है। बाकी जब वो छछुंदर उसके बगल में खड़ा होता है, तो वो उस पे झपटती नहीं है, बेचारी दीन दुनिया को भुला के इस फोटो फ्रेम में घुसे रहती है। अब अगर तुम कहोगे कि किसी अच्छी है इसलिए नहीं झपट रही है, तो भैया थोड़े देर बाद जब छछुंदर होम स्वीट होम से बाहर निकलता है, तो उधर पे तो किसी उसके ऊपर झपट जाती है। तो गया बेटे। सो इट मींस कि वो फोटो फ्रेम वाली लड़की किसी मिसी से कुछ ज्यादा ही रिलेटेड है। या तो वो लड़की है जिसे एक्सपेरिमेंट करके किसी मिसी बनाया गया था, या फिर जिस लड़की को किसी मिसी बनाया गया होगा, उस लड़की की ये फ्रेम वाली लड़की ना कुछ ज्यादा अच्छी दोस्त होगी, शायद से बहन भी हो सकती है। तुम्हें क्या लगता है गाइस? पॉज करके कमेंट्स में बताओ। बाकी गाइस, आई एम सॉरी टू से, बट फिलहाल किसी मिसी की बैक स्टोरी के बारे में इससे ज्यादा ना मुझे पता है, ना ही इंटरनेट पे किसी को। सो अगर कोई तुम्हें इससे ज्यादा किसी मिसी की कहानी सुना रहा है ना, तो वो झूठ बोल रहा है। अब पता है तो सिर्फ इनको, और ये लोग ना अभी तो नहीं बताएंगे गाइस, दो चार गेम्स और निकालेंगे ये, और शायद से फिर बताएंगे, क्योंकि दिस इज बिजनेस। अब अगर तुम सोच रहे हो कि वीडियो तो शुरू होते ही खत्म हो गया, तो ऐसा नहीं है गाइस यार। अब वीडियो में आगे ना हम किसी मिसी से रिलेटेड दो क्वेश्चंस के आंसर जानने की कोशिश करेंगे। पहला क्वेश्चन, इस किसी मिसी गुड और इविल, क्या किसी मिसी अच्छी है या फिर बुरी? अब अगर तुम सोच रहे हो कि किसी अच्छी है, चैप्टर 2 में गेट खोल के हमारी मदद करती है, पॉपी के बुढ़ापे का सहारा है, ऐसा कह रहा है, जहाँ का लिख रहा है यही छोड़ दूंगी जिसने है तुम सारे का सारे। अरे सही तो बोल रहा हूँ गाइस, देखो पॉपी डॉल को बनाया गया था 1950 में, बाकी आर ऑफ जॉय वाला कांड हुआ था 1995 में, जिसके 10 साल बाद यानी 2005 में वो एक्स एम्प्लॉय यानी छछुंदर इधर वापस आता है। So, इस गेम प्ले के टाइम पे पॉपी 55 साल की बुढ़िया नहीं हुई? सही बात। चलो वो छोड़ो, तो मैं कह रहा था कि अगर किसी मिसी अच्छी है तो कौन है? हमें तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। गाइज यार, अपना ओपिनियन ना इतनी जल्दी से चेंज मत करो, क्योंकि किसी का सीन जो है ना वो थोड़ा सा मिक्स टाइप का है। वैसे मैं एक बंदे की वीडियो देख रहा था जो इस आर ऑफ जॉय वाली वीडियो और इस रिस्ट्रिक्शन रेलोकेशन 88-1995 वाली वीडियो को, जो कुछ टाइम पहले मॉब एंटरटेनमेंट वालों ने अपलोड की थी, तो वो इन वीडियोस में किसी मिसी को कंपेयर करता है। नाउ अकॉर्डिंग टू हिम, ये आर ऑफ जॉय वाली वीडियो में ये शायद से किसी मिसी नहीं थी, बल्कि हगी वगी था। सो वो कह रहा था कि इस वीडियो को देखो, इसमें पीछे बोर्ड पे ना स्क्रैच के मार्क्स पड़े हुए हैं, बट किसी मिसी के अटैक वाले आर ऑफ जॉय वाले वीडियो पे तो वो मार्क्स होते ही नहीं है। बाकी वो ये भी कह रहा था कि इस आर ऑफ जॉय वाली फुटेज में ये किसी अटैक करके भाग जाती है,
बट रिस्ट्रिक्शन रेलोकेशन वाली फुटेज में तो वो यहीं पे लेटी होती है। सो लास्ट में ना उस बंदे ने कंक्लूड किया कि आर ऑफ जॉय वाली वीडियो में किसी ने किसी मिसी को बुरा दिखाने के लिए ये मैनिपुलेटेड फेक वीडियो उसमें डाली होगी। अब गाइस यार तुम्हें क्या लग रहा है? मेरी मानो तो यार ये हगी वगी तो नहीं लग रहा है, क्योंकि जब वो अटैक करता है ना तब वो अपना मुंह खोल के अटैक करता है, ऐसे बंद मुंह के साथ थोड़ी ना करता है। बाकी मेरे अकॉर्डिंग ना पहले तो ये सीन हुआ, फिर 11:01 AM पे ये सीन हुआ, और लास्ट में 11:14 AM पे ये वाला सीन हुआ। रही बात इस लेटी हुई किसी की, तो यार पहले वो इधर से उठी, फिर उसने बाकी बंदों पे अटैक किया, फिर सबको निपटा निपटू के वो इधर आके लेट गई। बट यार इन स्क्रैच मार्क्स का क्या, वो इधर किधर से आए? तो यार दिखने में तो ये मार्क्स ना प्रोटोटाइप के पंजे जैसे ही लग रहे हैं। तो कहीं यार गाइस इधर आर ऑफ जॉय के टाइम पे इन सब लोगों को प्रोटोटाइप ने तो नहीं मारा, शायद से 2-4 बड़े टॉयज को भी मैनिपुलेट किया होगा। बाकी उसने ये फेक वीडियो बना दी ताकि वो अच्छे वाले बड़े साइज के टॉयज को ब्लैकमेल कर सके, उनसे कह सके कि मेरी बात मानो, नहीं तो वैसे भी इंसान तुम अपनी टीम में तो लेंगे नहीं, क्योंकि तुमने आर ऑफ जॉय में वैसे भी दूसरे इंसानों को मारा था, तो इसका मतलब तुम लोग कभी भी इंसानों पर अटैक कर सकते हो। या तो ये हुआ गाइस या फिर पता नहीं क्या हुआ, तुम्हें क्या लगता है? क्योंकि वैसे भी ना एक और चीज है, पॉपी जब हमें आर ऑफ जॉय वाला कांड सुनाती है तो उसके शब्दों में ना बड़ा ही दर्द होता है, मतलब उस मार काट का उसे बड़ा अफसोस होता है। तो पॉपी एक ऐसे मॉन्स्टर टॉय को अपनी सहेली क्यों बनाएगी जिसके हाथ मासूमों के खून से रंगे हो? सो इतना तो श्योर है कि किसी गंदी तो नहीं है, मे बी कंफ्यूज्ड हो सकती है, और क्या पता उसे थोड़ा सा मैनिपुलेट करके उससे एक टाइम पे बुरे काम भी करवाए गए होंगे। तुम्हें क्या लगता है? आज का सवाल, पॉपी प्ले टाइम चैप्टर 3 के मेन एंटेगनिस्ट कैटनैप को किस बच्चे के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके बनाया गया था? ए एलिजाबेथ, बी मैरी, या फिर सी थियो? सही आंसर कर दो कमेंट, क्योंकि एक रैंडम सही आंसर वाले कमेंट को पिन किया जाएगा। ओके, सो अगला क्वेश्चन है कि हु अटैक्ड किसी मिसी? आखिर चैप्टर 3 के एंड पे किसी मिसी पे अटैक किसने किया? नाउ यार चैप्टर 3 के एंड में कैटनैप को बढ़िया से करंट से भड़िया के छछुंदर गैस प्रोडक्शन जोन में वापस आता है, रेड स्मोक को राइट से लेफ्ट डाइवर्ट करता है, जिसके बाद उसे मिलती है पॉपी, जो पहले तो छछुंदर को बढ़िया से मक्खन लगाती है, अरे बड़े सीरियस सी टोन में उसकी तारीफ करती है, कहती है कि उसे भरोसा था कि पिछले बार की तरह इस बार भी छछुंदर इम्पॉसिबल टास्क को पूरा कर देगा। नाउ इसके बाद वो प्ले टाइम कोमे हुए आर ऑफ जॉय वाले कांड की कहानी सुनाती है। फिर गाइस बगल के इस गेट से किसी मिसी आती है, एंड देन पॉपी और छछुंदर इस एलिवेटर में बैठ जाते हैं। फिर पॉपी किसी मिसी से कहती है कि तू अभी इस लिफ्ट का लीवर खींच के इसे नीचे भेज, फिर जब हम नीचे पहुंच जाएंगे हम इस लिफ्ट को वापस ऊपर भेज देंगे, और फिर तू भी नीचे आ जाना। ओके। बट गाइज उसके बाद ना कुछ अनएक्सपेक्टेड हो जाता है। गाइज जैसे ही हम नीचे जाने लगते हैं तो हमें किसी मिसी के चिल्लाने की आवाज आती है। पॉपी तो इतना घबरा जाती है कि वो चिल्लाते रहती है, और फिर हम लोग ना किसी मिसी को बचाने के लिए वापस ऊपर को जाने लगते हैं। बट इसी के साथ ना ये गेम यानी चैप्टर 3 खत्म हो जाता है। और जैसे 2015 में इस सवाल ने सबको परेशान किया था कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, वैसे ही इंडी हॉरर गेमर्स के लिए इस साल का सबसे बड़ा सवाल यही हो गया है कि आखिर इस छप्पर के बंद होने के बाद किसी पर अटैक किसने किया। तो गाइस यार चलो अब एक बार ना उन पॉसिबिलिटीज की बात कर लेते हैं कि आखिर किसी मिसी पे अटैक किसने किया होगा। पॉसिबिलिटी 1, हगी वगी ने। गाइस यार इस अटैक के ना हमें कोई विजुअल्स तो नहीं दिखते हैं, सिर्फ आवाज आती है। जो सुन के सबसे पहले लोगों का रिएक्शन यही था कि किसी मिसी पे अटैक तो हगी वगी ने किया है। बट गाइज यार हगी वगी किसी मिसी पे अटैक क्यों करेगा यार? किसी मिसी तो हगी वगी का अदर हाफ है यार, लैला मजनू है प्ले टाइम को के, तो अपनी लैला को ये मजनू तोड़ेगा थोड़ी ना यार। बाकी चलो मान लेते हैं कि हगी वगी पागल हो गया है, अटैकिंग मोड में आ गया है, बट तब भी यार हगी वगी तो चैप्टर 1 में पॉपी को जिस रूम में कैद किया था उधर के आगे वाले ब्रिजेस से नीचे गिर गया था, और तब से हमें कहीं दिखाई नहीं। अब चैप्टर 1 में प्ले टाइम के बाहर वाले एरिया वाली वो जगह, चैप्टर 2 में फैक्ट्री के अंदर गेम स्टेशन, और अब चैप्टर 3 में तो हम इन अंदर वाली गुफाओं में डोम के शेप के प्ले केयर में पहुंच चुके हैं। सो हगी वगी यार यहां कहां से पहुंच गया, या कहीं पहुंच तो नहीं गया? तुम्हें क्या लगता है गाइस हगी वगी ने अटैक किया होगा? पॉसिबिलिटी 2, प्रोटोटाइप। नाउ यार कहीं प्रोटोटाइप ने तो अटैक नहीं कर दिया किसी मिसी पे? तो यार अभी तक ना चैप्टर 1, 2 और 3 में प्रोटोटाइप ने किसी भी टॉय के ऊपर डायरेक्टली ना तो अटैक किया है और ना ही किसी को डायरेक्टली मारा है, मतलब वो सिर्फ ऐसी टॉयज को ले गया जो ऑलरेडी मर चुके थे या फिर मरने के कगार पे पहुंच चुके थे। तो गाइस यार तभी मुझे लगता है ना कि इस प्रोटोटाइप को ना कोई तो दिक्कत है, तभी ये ना छुप के रहता है, खाली छेद और गड्ढों में से अपना हाथ निकालते रहता है। बट गाइस यार एक चीज है, जैसा कि डॉग डे ने बताया था, I am the last of
यानी हमने प्रोटोटाइप के कंट्रोल से लड़ने की कोशिश की थी। अब कैसा कंट्रोल गाइज, या तो डॉग डे कहना चाहता था कि प्रोटोटाइप दूसरे टॉयज के दिमाग को डायरेक्टली कंट्रोल करके बुरा बना सकता है, अपना गुलाम बना सकता है, या फिर वो कहना चाहता था कि बहुत सारे जो टॉयज है ना वो प्रोटोटाइप के भक्त हो गए हैं, जिस वजह से जो अच्छे वाले टॉयज है ना उन्हें उनसे लड़ना पड़ रहा है। अब अगर इसमें ना हम पहली वाली बात को सही माने कि प्रोटोटाइप दूसरे टॉयज के माइंड्स को कंट्रोल कर सकता था, तो गाइज यार शायद से प्रोटोटाइप किसी मिसी के माइंड को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा होगा, तभी तो बहुत ज्यादा लड़ने की भड़ाभड़ की आवाज नहीं आती ऊपर से, थोड़ी बहुत आती है इधर उधर उछलने की, हल्का फुल्का चिल्लाने की। सो शायद से ना प्रोटोटाइप किसी मिसी के माइंड को कंट्रोल कर रहा होगा, वो अंदर ही अंदर उसके इस कंट्रोल से लड़ रही होगी और तभी चिल्ला चिल्ला के इधर उधर उछल रही होगी। और इसका मतलब ये भी हो सकता है ना गाइज कि अगले पार्ट में प्रोटोटाइप किसी मिसी को कंट्रोल कर ले और हमें ना शायद से किसी मिसी से लड़ना पड़े और वो ना अगले पार्ट में एक एंटागोनिस्ट हो, फिर पॉपी के साथ मिलके हम शायद किसी मिसी को ठीक कर दें। पॉसिबिलिटी 3, मिनी स्माइलिंग क्रिएटर्स। अब गाइस यार जिस हिसाब से ऊपर भड़बड़ की आवाज आ रही थी तो शायद से ऐसा भी हो सकता है कि जो स्माइलिंग क्रिएटर्स नहीं थे छोटे वाले, क्या पता उन्होंने किसी मिसी पे अटैक कर दिया हो, तुम्हें क्या लगता है? पॉसिबिलिटी 4, न्यू विलन। अब गाइज यार एक फाइनल पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि किसी मिसी के ऊपर ना किसी नए मॉन्स्टर ने अटैक कर दिया हो जो अगले पार्ट यानी चैप्टर 4 का विलन होने वाला है, क्योंकि यार देखो पॉपी कह रही थी ना कि अगर हम इस लिफ्ट से नीचे जाएंगे तो हम सीधे प्रोटोटाइप की लेबोरेटरी में पहुंच जाएंगे, तो इसका मतलब तो ये है ना गाइज कि हमारा ना प्रोटोटाइप से अगले पार्ट में सामना हो जाएगा और ये गेम अगले पार्ट में ही खत्म हो जाएगा। बट मुझे तो ये नहीं लगता गाइज कि ये मॉब एंटरटेनमेंट वाले इस फ्रेंचाइज को इतनी जल्दी खत्म कर देंगे। सो गाइज क्या पता अगले पार्ट में ऊपर एक नया मॉन्स्टर आ चुका होगा और पहले हम किसी मिसी से लड़ेंगे, फिर उसके बाद हम उस नए मॉन्स्टर से लड़ेंगे और वाला पार्ट खत्म हो जाएगा, फिर हम फिर से नीचे प्रोटोटाइप की इस लेबोरेटरी में उसके पास जाने की कोशिश करेंगे। तुम्हें क्या लगता है गाइस यार ऐसा होगा कुछ? तो गाइस यार ये थी पॉपी प्ले टाइम की प्यारी सी कैरेक्टर किसी मिसी की थोड़ी बहुत स्टोरी, जितनी मुझे पता चल पाई उतनी मैंने तुम्हें बता दी। बाकी गाइस यार मुझे अगर इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन मिलती है तो मैं एक वीडियो फटाक से बना के ले आऊंगा। रही बात इस वीडियो की, अगर तुम्हें ये अच्छी लगी तो इसे लाइक करो। बाकी गाइस यार आज की वीडियो में इतना ही, होप यू एंजॉयड, थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो फ्रेंड्स।